महादेवपुर नामक गोटे गाँव करुणा एवं संध्या नाम भाई भौणी रहुथिले। तांको माँ चली जीवा परे तांको बापा माधव निज छोट पिलाको पाई आउ थरे बाहागर होइगला। तांकर सावत माँ मालती माधव आगरे भल गुण देखाई थाए आउ जेपरी माधव काम पाई घर चली जाए मालती पिलांको सह बहुत खराब व्यवहार करिथाए। तांको द्वारा घर सब काम कराई थाए। मालतीर गोटे पुओ थिला। एपरी दुई तीन वर्ष बीतीगला। माधवर देह खराब हेला। आउ किछि दिन परे माधव भी आर पारी को चली गला। से राति करुणा एवं संध्या बहुत कांदिले। कांदी कांदी करुणा तार बड़ भौणी को कहिला, एबे आमर कौन हेब, आमे केउ पाप करिथिले जे भगवान आमटार आम बापा माँ को चढ़ई नेले। संध्या कहिला, जना नाही भाई, किंतु एबे मालती देवी जहाँ कहिबे ताहा सब करिबाकु पड़िबो, नहले से आमको घर बाहर करिदेव। करुणा कहिला, दीदी कौन सतरे माँ आमको बाहर करिदेव। बर्तमान मालती करुणा एवं संध्या को बहुत कष्ट देवाक लगला। गोटे दिन सहररु रामु माधवर मरवा खबर शुणी पिला देखापी आसला। रामु लभी स्वभावर थी। रामु कहला, मालती भाउज, मालती भाउज। तापर भितर आवाज आसला, किए डाकुछ भाई, कहीं निद खराब करुच। रामु कहला, नमस्कार भाउज, मु रामु, बोधहुए मते आपण चिन्ह पारे, मु माधवर सांग सहर रे रहुची। मालती कहिला, अच्छा हाँ चिन्हिली, रामु भाई घर को आसंतु। रामु कहिला, कौन होइछि बाउज, तुम्हें बहुत चिंतित थिला परि लागुच। मालती कहिला, कौन करिबी भाई, ए चली जीबा परे घर रो अवस्था खराब, ए दुई पिलांको पाई मो पुओ को मैं तो बकरे रखिबा को पड़ुछि। मालतीर कथा शुणी रामुर मनरे लोभ हेला। से मालती को कहिला, बाउज, जदि आपण खराब भाबिबेनि गोटे कथा कहिबी। हाँ कहतु। रामु कहिला, भाउज, ए दुई जन को मते दे दियंतु, ए दुई पिलांको पाई मु तुमको 50,000 टंका देबी। रामुर कथा रे आसी मालती दुई पिलांको ताको बिक्री करि देला। वर्तमान से दुही को नेई रामु सहर आसीगला। सेठारे रामु तार मालिक को सब कथा कहिला। रामु करुणा एवं संध्या को तार मालिक पाखरे बिक्री करि देला। करुणा आ संध्या परि ता पाखरे बहुत पिला थिले। रामु से दुई जन को 1,00,000 टंकारे बिक्री करि देला। सेठारे अनाथ पिलांको द्वारा बहुत काम कराउथिले। खाइबा मध्य ठीक समय रे मिलु नथिला। गोटे दिन संध्या, भाई आमको एठारु कोनोसी उपाय रे पळेबा को पड़िबो। करुणा कहिला, हाँ दीदी, आमे एठारु चली जिबा, किंतु किपोरी। से दुई जन मनरे भाबिनेले कि वर्तमान समाने रहिबेनी। गोटे दिन मालिक श्यामलाल गभीर निदरे सोइथिला। करुणा लुचिकी देखिला मालिक सोई पड़िछंती। से समय रे से दुई जन जीवा को बाहरिले। एही समय रे मालिकर निद भांगी गला आउ सेमानकर से पीछा कला। करुणा छोट थिला तेणु मालिक ताकु धरी नेला। संध्या सेटारु चली गला। मालिक करुणा को बहुत पिटिला, ताकु ता सहित नेई आसिला। करुणा कहिला, मते छाड़ी दियो, मु मोर दीदी पाख को जीबी। संध्या पुणी तार भाई पाई फेरी आसिला। आउ पुणी मालिक से दुई जन को गोटे कोठरी रे बंद करि देला। आउ मने मने भाविला, मते दुई पिला को बंद करी की रखिबा को पड़िबो, नहले मु विपदरे पड़िबी। जदि एकता पुलिस पर्यंत जीव तेबे मोर कौन हेबो, मु गोटे काम करिबी, ए दुही को आम गाँव में मो स्त्री पाखरे छाड़ी आसिबी। आग दिन श्यामलाल, आस पिला माने तुमको मुपरी जगह को नहीं जी, सेठारे तुमको कहीं मारे आउ स्नेह करुवा जड़े माँ मध्य मिलजिव। यह शुणी से माने बहुत खुशी होगले। आग दिन सका श्यामलाल से नहीं गाँ को गला। सेठारे श्यामलाल धीरे से तहार स्त्री सावित्री को सब कथा कहला। सावित्री, ए दुई जन को एठारे मु छाड़ी जाऊँची, एम भल देखाशुना कर। सावित्री कहला, जदि एठारे एम रे तेबे मत भल लगे। श्यामलाल सेमानको छाड़ी चली गला। वर्तमान सावित्री भल हेबार नाटक ताको सह कला। किछि दिन बीतीगला। करुणा एवं संध्या खुशी थिले। धीरे धीरे सावित्री तार असली चेहरा देखाइला। से तांको द्वारा घर सब काम कराइला। एमिति से दुई जन को खाइबा को मध्य देउ नथिला। गोटे दिन करुणा संध्या को कहिला, दीदी मते बहुत जोर भोक लागुछि। निज भाई को भोकरे देखि संध्या को बहुत दुख लागिला। संध्या सावित्री को जाई कहिला, मालिकाणी, मो भाई को भोक लागुची, किसी खाइबा को दियंतु। संध्यार कथा शुणी सावित्री रागी गला आउ कहिला,
କାମଧନ୍ଦା କିଛି ତ କରୁଣ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମାଗି ଆସିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ଆଉ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ତଳେ ପଡ଼ି ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲା। ସେଠାକୁ କରୁଣା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। କରୁଣା କହିଲା, ଦିଦି ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଲା, ଉଠିଯାଅ ଦିଦି, କରୁଣା ଜୋରରେ ଡାକୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ଭାବିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ମରିଯାଇଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଏବେ କ'ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ କରୁଣା ପାଟି କରୁଥିବା ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ତାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ଆଉ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ସହାୟତାରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ବିମଳା କପଡ଼ା ଶୁଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏସବୁ ଦେଖିନେଲା, ଆଉ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଫୋନ୍ କଲା। ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲା। ବିମଳା କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଆମର ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ସାବିତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେହୋସ କରି ସେ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଶୀଘ୍ର ପାହାଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ତାର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିନେଲା। ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମା ହୋଇଗଲା। ପୋଲିସ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଗଲା, ଆଉ ପୋଲିସ ସାବିତ୍ରୀକୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ କଥା କହିଲା। ପୋଲିସ କରୁଣା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ପୁଣି ପୋଲିସ ଶ୍ୟାମଲାଲ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ, ରାମୁ ଏବଂ ତାହାର ମା ମାଳତୀକୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପିଲା ଖୁସି ଖୁସି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ।